हमा गणिता, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है रूप चौदस, छोटी दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ अब स्टार्ट, बस जल्दी से घर का काम फ्री करके किचन चीजें संभाली थी, बाकी मैं करके ऊपर का नहा धो के आ चुकी हूँ। एंड गेस व्हाट, कौन है मेरे साथ में? मेरे साथ में है किरण जीजा, अहमदाबाद से आए हुए हैं। वो अपने इन-लॉज के पास में दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, तो ये आए थे साड़ी की शॉपिंग करने, इनको साड़ी पहननी है। तो मैं आई हूँ, हम दोनों अब मतलब जूसा भी आज फर्स्ट टाइम, जूसा को भी दिखाएंगे। तो अभी हम करेंगे जीजा के लिए शॉपिंग, मेरे लिए कल हो चुकी है, आप व्लॉग में देख चुके हो। हाँ, तो हम आए युवती वाले के झोटवाड़ा से, जो है सब जानते होंगे, सभी दिखाते हैं। दिखाओ इसमें क्यों कलर अलग दिख रहा है। साड़ी हमने ले ली, अभी रेडी होएगी वो शाम तक। अभी हमें चाहिए उसके लिए ब्लाउज, तो हम वो देखने जा रहे हैं। सो ब्लाउज भी हमें मिल गया है, तो हमने दो तीन शॉप पे ट्राई किया क्योंकि इतनी जल्दी स्टिच तो होगा नहीं, कल ही दिवाली है, तो हमें थोड़ा, हम इसे एक बार एडजस्ट कर लेंगे फिर बाद में स्टिच करवा लेंगे जीजा। और ये शॉप है यहाँ पर जय महल के पास में। अब आप देखो कौन सा वाला सेट करना है। देखो सही लग रहा है ना दोनों। हाँ, और वो एक बैंगल देखिए, वाला भी चलेगा वाइट। हाँ, बीट पल भी कुछ हो, वैरायटी पल वाली वैरायटी निकाल दो। हाँ, पल का दिखाओ। देखिए जीजा ऐसे बनेगा, और ये मेरे पास भी है, यही से भी हुई है। कौन सा वाला? ये वाला सेंटर पंगड़ी। मैं पहनती हूँ ना कई बार प्योर के ड्रेसेस पे। देखिए मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये क्योंकि न्यू स्टाइल है और ये काफी टाइम से चल रहा है। एक ये जो फ्लोरल वाला, इसमें साइज नहीं है। फ्लोरल वाला कौन सा बता रहे हैं आप? ये वाला? हाँ, साइज अवेलेबल है। अपने शिल्पा, अपना गजरा का वो लूठा चीज एकदम अच्छी है। तो हमने बैंगल्स वगैरह ले ली थी, उसके बाद में जस्ट हम लोग अपनी स्कूटी निकालने जा रहे थे और हमारे रैंडम एक शॉप पे नज़र चली गई और हमें बाहर से सूट बहुत अच्छे लगे। वैसे हम लोग सूट वगैरह इतने परचेज करते नहीं क्योंकि आ जाते हैं हमारे पास में, बट हमने कहा चलो ठीक है देख के आते हैं। अभी हमें बहुत अच्छा कलेक्शन लग रहा है, तो जीजा भी देख रहे हैं और ऑल्सो मैं भी अपने लिए सूट्स देखूंगी। तो अगर हम जो भी शॉपिंग करते हैं मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही अमेजिंग वाला कलेक्शन है यहाँ का। घर आ गई हूँ मैं और जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें करी। जीजा ने एक साड़ी ली है, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, और उसके साथ हमने एक रेडीमेड ब्लाउज लिया था क्योंकि इतनी जल्दी तो स्टिच होगा नहीं। उसके बाद में हम गए थे हीना बैंगल्स चूड़े वगैरह लेने, मैं भी लेके आई थी, वो जीजा के पास ही चले गए गलती से। उसके बाद में हम लोगों ने हाँ वो लिया, खाया पिया कुछ और फिर हम घर आ गई हूँ। अब गई है दिव्या जीजा मार्केट क्योंकि कानू के लिए ड्रेस लानी थी, हमें भी लानी थी लेकिन अभी लेट हो रहा है, तो मैंने कुलदीप को बोला आप ही लिया ना कानू के लिए ड्रेस, छोटा है ना घर में, तो फिर उसको हमारी तरफ से इसलिए। अब आके लड्डू को मैंने नीम ड्रेस बनाई है क्योंकि सुबह तैयार नहीं कर पाई थी मैं, लेट हो गया था। हाँ, तो लड्डू को तैयार नहीं कर पाई थी इसलिए अभी उसके मतलब लड्डू को मैंने अभी तैयार किया है, तो दिखाया मैंने। और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी क्योंकि शाम को नेहा जाएगी मेहंदी लगाने के लिए, सो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको कि दिवाली के लिए क्या स्पेशल मेहंदी लग रही है। और तब तक मैं खाने वाने की तैयारी करूंगी, तो मैं अभी यहाँ पर मेथी साफ करूंगी, आलू मेथी की सब्जी बनाऊंगी, साथ में एक दाल बनाऊंगी। तो जीजा आएंगे तब तक मैं खाने की तैयारियां वगैरह करके रखूंगी। और हमारे है ना आज छोटी दिवाली को आटे के दीपक, कच्चे आटे के दीपक होते हैं, तो फिर मैं आटा वगैरह लगा के रखूंगी बिना नमक वगैरह का, तो ये सब काम करने हैं मुझे। और यहाँ पर मम्मी बना रही थी आटे के दीपक, तो 5, 7, 11 जितना बनाना चाहते हो उतना बना सकते हो, और ये बिना नमक के आटे के बनते हैं।
बाकी से बाबू ने बोला, बाबू ने बोला था कि आप है ना फूड ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर बन जाओ। नेहा आ चुकी है, सो मम्मी के मेहंदी लगवा रहे हैं। मम्मी थोड़ी ही लगवा रही है अब की बार। तो एज यूजुअल नेहा को आप जानते हो, हमारी जो मेकअप के मेहंदी आर्टिस्ट है, और आज पूरे दिन बुकिंग थी नेहा की, तो शाम यूजुअली हमारे शाम को ही आती है, क्योंकि फिर यहाँ पर उसको थोड़ा लेट हो जाता है, हम लोग तीन हैं इसलिए। एंड नेहा से कैसे क्या कॉन्टेक्ट करना है, वेडिंग सीज़न आने वाला है वो आपको पता है, और नंबर आ रहा है नेहा का स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में मैं नेहा का वो भी डाल दूँगी, लिंक भी डाल दूँगी, और इंस्टाग्राम पे मैं उनको टैग वर्क करूँगी, तो वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। मेहंदी बहुत अच्छी है नेहा का एक बार आप पेज, मैंने अभी देखा नेहा तुम्हारा पेज, उन्होंने बहुत अच्छा पेज कर रखा है, इतनी सुंदर डिज़ाइन है। तो नेहा का एक बार आप इंस्टाग्राम पेज ज़रूर विजिट करना, मेहंदी बाय नेहा करके है ना, मेहंदी बाय नेहा करके। हाँ मैं ना अभी किसी को दिखा रही थी जिम में, तो मम्मी की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं लगवा रही हूँ। हमारे शादी है 4 को, मैंने आपको जैसे पहले व्लॉग में बताया था, तो नेहा बोल रही है कि दी आप फिर थोड़ी ही मेहंदी लगवाओ, क्योंकि उस टाइम तक उतरेगी नहीं, क्योंकि अब 1 वीक ही बचा है, और मेहंदी जो नेहा लगाती है बहुत ज़्यादा रचने वाली होती है, तो फिर इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी लगवा रही हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं लगवा रही हूँ, क्योंकि फिर शादी में मुझे अच्छी हैवी मेहंदी लगवानी है। नाहरगढ़ में ना अच्छी चीज़ें मिलती है ना गर्ल्स के लिए, नाहरगढ़ रोड पर। तो मेरे मेहंदी लग चुकी है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगवा के सिंपल लगवाई है, पर बहुत प्यारी लग रही है। दिवाली के हिसाब से मैंने दीपक भी बनवाए हैं, सो बहुत क्यूट लग रही है, देखिए सिंपल सोबर सी है। एंड मम्मी ने भी ऐसी लगवाई है, सो बहुत अच्छी लग रही है। जीजा थोड़ी हैवी लगवाएंगे, मैं शादी की वजह से नहीं लगवा पाई, शादी में दिखाऊंगी बहुत ही सुंदर मेहंदी लगवाएंगे। सो मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है और अभी जीजा लगवाएंगे, और प्लीज़ अगर आपको नेहा से कांटेक्ट करना है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, एंड नेहा का एक बार पेज ज़रूर विजिट करना, बहुत ही अमेजिंग वाली मेहंदी के डिज़ाइंस हैं, तो आप नेहा को ज़रूर बुक कर सकते हो अपने वेडिंग के लिए। वो लगी थी मेरे यहाँ पे, लगी थी भी नहीं अब की बार तो चिल्ला रहे हैं वो लड्डू की ड्रेस मिली नहीं है मेरे को, बोले तो ले आई क्या, मैंने सोचा रखी थी मतलब कोरी है मेरे पास में बिना पहना ही, मैंने कहा उन्होंने, वो बोल रहे हैं कि खुद के लिए ले आते हो तुम, तभी वो लेने गए उनको समझ में ही नहीं आई, तो बोल रहे हैं कि सुबह मेरे साथ चलना। कितने घंटे में लगी है, 1.5 घंटे में, 7 बजे आई थी मैडम तुम, तो इनका पूछ रहे हो नहीं, हम सबका पूछ रही हूँ, हाँ यार टाइम तो लगता है ना, सब सोचते थोड़ी थोड़ी लगवाएंगे, लेकिन
मुझे वो बता देना है ना, एक तारीख का क्या रहता है। मेहंदी हमारी लग गई है और जीजा की मेरी, मैंने तो ये लगवाई थी सिंपल सोबर सी, और मेरी सूट भी गई, कलर भी अब ऐसे आ गया है, बस अभी चेंज करूँगी, इस पर ऑयल लगाऊंगी और उसके बाद मैं सोऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और मेरे यहाँ पर देखिए मतलब क्या हुआ है, कभी मेरे ऐसे होते नहीं है टचवुड, मतलब टचवुड कभी मेरे पिंपल्स वगैरह, लेकिन अभी देखो दिवाली के टाइम पे हुए, मतलब कुछ फंक्शन शादियों के ना तो होंगे, वरना नॉर्मली नहीं होते। यहाँ पर बहुत बड़ा सा एक पिंपल हो गया, मेरा ना नेल भी लग गया से गलती से, तो बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है अभी इसमें। और कुलदीप गए अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइट वगैरह देखने, तो वो आएंगे लेट तक, तो मैं सोऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। आई थिंक 3 से 4 दिन हो गए कि प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे, रोज़ हमको रात के 2-2, 2:30 बज जाते हैं, सुबह वह उठना होता है नहीं उठ पाते, फिर पापा जी लौटते हैं कि उठते नहीं हो तुम लोग त्यौहार वाले दिन, इसलिए तो बस चेंज करके सोऊंगी। और फिर से विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, क्योंकि ये जो व्लॉग है आपके पास में दिवाली वाले दिन आ रहा है, तो सॉरी आप सब लोगों की दिवाली आई थिंक बहुत अच्छी जा रही होगी, बहुत अच्छी जाए। एंड सो इन एडवांस हैप्पी दिवाली, बाय बाय, गुड नाइट।